हाय एवरीवन, गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर को ग्रेट करना सबसे मुश्किल काम लगता है। तो चलिए आज बिना ग्रेट किए गाजर का हलवा बनाते हैं। ये गाजर का हलवा बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी है और हलवा 15 से 20 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा। 1.5 किलो गाजर ले रही हूँ, जिसको मैंने अच्छी तरह छील लिया है और धो लिया है। फिर इसको मैंने पीसीस में कट कर लिया है। अब इन पीसीस को मैं कुकर में डाल रही हूँ। आप मोटे मोटे पीसीस में भी कट कर सकते हैं, क्योंकि व्हिसल दिलवाने के बाद ये गाजर गल ही जाएगी। 2 व्हिसल आने तक इसको पकाएंगे। कुछ लोग इस टाइम पर गाजर के साथ देसी घी भी डालते हैं, लेकिन मैं बिना देसी घी के ही बना रही हूँ, तब भी ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। 2 व्हिसल आने के बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। ये देखिए, गाजर ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। हाई फ्लेम पर इस पानी को सुखा लेंगे और साथ साथ गाजर को मैश कर लेंगे। अब मैंने सारी गाजर को एक कढ़ाई में डाल दिया है, क्योंकि खुले बर्तन में डालने से ये गाजर का हलवा बहुत जल्दी बन जाएगा। सारी गाजर को अच्छे से मैश कर लेंगे। इस टाइम पर मैंने फ्लेम को हाई रखा है और साथ साथ इसको चलाते जाएंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 किलो फुल क्रीम दूध। अगर आप पास ही खड़े हैं तो फ्लेम को हाई रखें, नहीं तो मीडियम कर दें। साथ साथ इसको चलाते जाएं, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। हाई फ्लेम पर बनाने से ये हलवा बहुत जल्दी बन जाएगा। गाजर तो गली हुई है, सिर्फ हमें दूध का मावा बनाना है। ये बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है गाजर का हलवा बनाने की। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, काफ़ी हद तक दूध सूख गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश, ताकि किशमिश थोड़ी सी फूल जाए। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून फ्रेश मलाई डाल रही हूँ। इससे हमें मावा डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। अच्छी तरह मलाई को भी मिक्स कर देंगे। जब बहुत थोड़ा सा दूध रह जाएगा, तब इसमें चीनी डालेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इसे भी मिक्स कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही डिफरेंट रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। मैं देसी खांड का यूज़ कर रही हूँ, आप चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, ताकि चीनी भी पक जाए और थोड़ा सा जो दूर रह गया है वो भी सूख जाए। आप इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट मैं अब डाल रही हूँ, कुछ मैं ऊपर से डालूँगी। अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। लीजिए, गाजर का हलवा बनकर रेडी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।